तो सीएम योगी सहजनवा में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करें। सीधे आपको वही लिए चलते हैं। विकास की प्रक्रिया के साथ हमें और तीव्र गति से आगे बढ़ाने में सहायक होगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। तो 660 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए गोरखपुर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और सीधा वहां से प्रसारण भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी जहां पहुंचे हुए हैं तो गरीबों के जीवन में सुधार लाने के लिए, हर क्षेत्र में विकास करने के लिए आज गोरखपुर में गोरखवासियों के लिए बेहद खुशी का दिन। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। तो खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मुरादनगर में शमशान घाट का लेंटर गिरा, जिसके वजह से 18 लोगों की अब तक मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। तो वहीं 30 से ज्यादा लोग अब तक इस मलबे से निकाले जा चुके हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे हुए थे, जिसके बाद से यह हादसा हुआ। गाजियाबाद के शमशान घाट का लेंटर गिर गया, जिस वजह से ये भीषण हादसा हुआ, जहां पर ये जो बेहद दुखद खबर सामने आई है गाजियाबाद से। बारिश की वजह से शमशान घाट का लेंटर गिर गया। बारिश की वजह से शमशान घाट के लेंटर गिरने की खबर सामने आई। 15 लोगों की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। काम में कमी होने की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। बड़ी लापरवाही यहां देखी गई है, हादसे के पीछे बड़ी लापरवाही सामने आई है। लोगों का यहां पर यह भी कहना है कि मिलावट की वजह से एक महीने पहले जो ये लेंटर बनाया गया था, जिसके बाद से ये लेंटर गिर गया, तो आज ही जांच कर शासन को रिपोर्ट भेजेंगे, आईजी का ये कहना। निकलते जांच कर लेते हैं। हाँ। तो नया लेंटर पड़ा है, तो उसके नीचे ही खड़ी है। कितने दिन पहले पड़ा है नया लेंटर? 2-3 महीने पहले मेरे हिसाब से। हाँ। मेरे सामने पड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और एकदम से तमाम थे नहीं पूरा लेंटर। कितने लोग होंगे उस लेंटर के नीचे? जी जी हमें तो अपना मालूम है कि मेरे ख्याल में 85 मर गए होंगे। 85 मर गए होंगे, मतलब बड़ी संख्या में लोग थे यहाँ पर। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट था, जहां पर लेंटर एक महीने पहले ही तैयार किया गया था, और एक महीने के बाद ही जब पहली बरसात हुई तो पहली बरसात में ही ये लेंटर ध्वस्त होकर भरभरा कर गिर गया। यहां पर अंतिम संस्कार के लिए जो लोग पहुंचे हुए थे वो इस लेंटर के गिरने की वजह से इस मलबे में दब गए, जिसमें से 30 लोगों को अब तक इस मलबे से निकालने का काम किया जा चुका है। 15 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, आपसे अभी के अपडेट्स जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इस जो कॉरिडोर को तैयार करने वाली फर्म थी, उसका नाम था मेसर्स अजय त्यागी कंस्ट्रक्शंस, और अजय त्यागी कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने ये पूरी फर्म का निर्माण कराया गया था, और नगर पालिका जो कि इसको पूरा बनवा रही थी उसमें कोई जेई तैनात ही नहीं था। कई लंबे समय से जेई की तैनाती चाहिए थी, लेकिन जेई के बिना देखरेख के ही ये काम किया जा रहा था। और वही मोदी नगर से एक जेई को अटैच किया गया था, जो कि सीपी चंद्रपाल सिंह, यानी सीपी सिंह, जो कि 2 महीने पहले रिटायर हो चुके, उसके बावजूद यह कंस्ट्रक्शन काम चलता रहा, और जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों ने 18 लोगों की जान गंवाने के बाद भुगतना पड़ा है। तो सबसे बड़ी चीज है, लगातार अनदेखी की जा रही थी, जो अजय त्यागी है वो बिना किसी संबंधित अधिकारी गौरव यहाँ जो आपने नाम बताया अजय त्यागी, जो कि कॉन्ट्रैक्टर है, क्या इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे बिल्डिंग का निर्माण करवाया, लेंटर तैयार करवाए हैं, या उन्हें सिर्फ सिफारिश के तहत ये मौका मिला था?
नहीं देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि गाजियाबाद जो नगर निगम है वहाँ भी ये पंजीकृत है, नगर पालिका में भी पंजीकृत है, और ये पंजीकृत ठेकेदार है जो कि कई कंस्ट्रक्शन काम करा चुके हैं, लेकिन चूंकि अच्छा रसूख और रतवा रखते हैं उसके चलते इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया, और उसके बाद बिना किसी जांच अधिकारी के या जेई को सुपरवाइज किया जाता है, जेई के संरक्षण में किसी भी साइट का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो मोती नगर मुराद नगर नगर पालिका में कोई जेई तैनात ही नहीं था, और बिना किसी जेई के तैनाती के ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया। मार्च में इसका टेंडर निकाला गया था, जिसके बाद इसे लॉकडाउन की वजह से कुछ टाइम होल्ड पर भी डाला गया, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि बिना किसी जेई के कॉन्ट्रेक्टर काम करता रहा और अधिकारी देखते रहे। जी ठीक है गौरव, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो गाजियाबाद के डीएम और आईजी से हमारे संवाददाता गौरव यादव ने खास बातचीत की, आपको वो रिपोर्ट भी दिखाते। सारे लोगों के मरने की पुष्टि की जा चुकी है, और क्या ये आपका बन सकता है? देखिए हम लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य इस समय ये है कि मलबे में दबे हुए जो लोग हैं उनको हम बाहर निकालें। हमने एनडीआरएफ की टीम बुला रखी है, एनडीआरएफ की टीम, पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस, पूरा मेडिकल विभाग यहाँ लगा हुआ है, और उनको हम पहले अस्पताल पहुंचा रहे हैं उनके इलाज, ताकि उनका विधिवत ढंग से उनका इलाज हो सके। 30 लोगों को कल हम लोगों ने यहाँ से निकाला है, और वहाँ पर डॉक्टर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं, जो भी डेथ की सूचना होगी वो डॉक्टर्स की तरफ से जारी की जाएगी, अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। सर एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पर लगभग एक महीने पहले ये 40 फुट लंबा कॉरिडोर तैयार किया गया था, और एक महीने के अंदर ये भरभरा कर दिया गया, वो अधिकारियों के खिलाफ क्या? बिल्कुल सबके इसकी पूरी उच्च स्तरीय पूरी जाँच कराई जाएगी, किसी भी कीमत किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और फिर भी मैं आपसे दोहरा रहा हूँ कि मुख्य उद्देश्य हमारा ये है रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कराना। अधिकारी थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि मुख्य अभी जो प्राथमिकता है कि जो यहाँ पर रेस्क्यू है, जो ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू के लिए, आईजी साहब भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, बात कर लेते हैं। सर यहाँ पे कितने लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि? देखिए पहली प्राथमिकता रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की थी, जो लगातार अभी चल रहा है, जो लोग इंजर्ड थे उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। अभी तक जो मेरी जानकारी है ये फिगर मृत्यु के बारे में, अभी हम अंतिम लास्ट टेली डॉक्टर से बात करने के बाद दे पाएंगे, क्योंकि शुरुआत में कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, जाहिर बात है, तो ये फिगर हम बाद में दे पाएंगे। अभी पहली प्राथमिकता जो है उस पर लोग कार्य कर रहे हैं। मेरी जो प्राथमिक जानकारी थी कुछ समय पहले तक, इसमें से मृत्यु की फिगर 10 की थी, परंतु ये फिगर अनंतिम है, इसमें कुछ भी आगे की स्थिति डॉक्टर से बात करने के पश्चात बताइए। जो अधिकारी जो इसमें दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ क्या कुछ कहा कि इसमें मेरे द्वारा और जो हमारे कमिश्नर महोदय हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, और आज ही हम सुनिश्चित करेंगे कि जवाबदेही तय की जाए, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आईजी साहब से जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सबसे पहला जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया गया है, और उनके जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, अभी औपचारिक घोषणा रहना बाकी है सारे लोगों। तो गाजियाबाद से ही हमारे संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादराम भारती आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक के क्या अपडेट है, क्या मरने वालों की संख्या और बढ़ी है, और जो घायल बताए जा रहे हैं उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है? देखिए जिस समय ये पूरी घटना हुई उस समय करीब कई लोग शमशान घाट का जो लेंटर है उसमें दब चुके थे, और लगातार एनडीआरएफ की जो टीम है वहां पर रेस्क्यू वो कर रही है। जो अभी हमारी जो सरकारी अस्पताल यानी एमएमजी के जो सीएमएस है डॉक्टर अनुराग भार्गव, उनसे बातचीत हुई है, उनका कहना है कि पहले ये संख्या 11 थी और अब ये संख्या मृतकों की बढ़कर 18 हो चुकी है, और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनको खून देने के लिए आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, और उन्होंने मांग की है कि अगर घायलों के इलाज में खून की जरूरत पड़ती है तो वो उसको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो है जो नगर पालिका के अधिकारी हैं। एक महीने पहले ही ये शमशान घाट बना था, और बताया जा रहा है कि खूब ठेकेदार से मिलकर जो गाजियाबाद मुरादनगर नगर पालिका के अधिकारी हैं उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला, जिसका नतीजा आज यह है कि करीब जो 18 लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में जिम्मेदारी कौन लेगा ये जांच का विषय है। जी जी यादराम, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे कि मुआवजे का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया,
ठीक है, और उन्होंने शोक भी व्यक्त किया है, लेकिन यहाँ पे जो तमाम अधिकारी मौजूद है, नगर पालिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फाइलों को खंगालने का काम किया जा रहा है, इतना लंबा समय लग गया उन्हें कॉन्ट्रैक्टर का नाम बताने में, कॉन्ट्रैक्टर का नाम जब पता चला अजय त्यागी का, तो ये भी कहा जा रहा है कि जिस दौरान ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कंस्ट्रक्शन के वक्त चेकिंग के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए कोई वहां पर नहीं आता था, तो इसके पीछे क्या लापरवाही नहीं है? प्राथमिकता की बात की जा रही है, क्या उस दौरान प्राथमिकता नहीं देखी जा रही थी जिस वक्त इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था? देखिए, लापरवाही जो शब्द है ये बहुत छोटा शब्द है इस मामले के लिए, ये पाप हुआ है, गुनाह हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अधिकारी है नगर पालिका के, उनकी देखरेख में ये सारा काम हुआ है। चाहे किसी का कुछ भी कार्यवाही हो, कुछ भी हो, लेकिन 18 लोग मर गए हैं, और 18 लोगों की जो संख्या होती है वो बहुत बड़ी होती है, और पूरे क्षेत्र में इस समय कोहराम मचा हुआ है। उस परिवार का एक एक सदस्य जो मरा है उसके पूरे घर में शोक की लहर डूब गई है, यानी कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो कमजदा हो गया है, और इसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदार है वो मुरादनगर नगर पालिका है, और उन्हीं की देखरेख में सारा काम चल रहा था। ऐसे में जो भी सजा इन अधिकारियों को, इन ठेकेदारों को, इन भ्रष्टाचारियों को दी जाए वो उतनी ही कम होगी, चाहे कितनी भी बड़ी सजा दे दें। जी ठीक है, यादराम बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और अपडेट आगे हम लेते रहेंगे। तो सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। सीएम योगी ने कहा है कि मंडल आयुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पर जाकर घटना की रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। डीएम और एसएसपी गाजियाबाद मौके पर है और राहत कार्य कर रहे हैं। घटना दुखद है, मेरी संवेदना शोक संतप्त परिजनों के साथ है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो घायल लोग हैं, जो मृतक के परिजन हैं, उनके साथ सरकार इसी तरीके से खड़ी है, और साथ ही जांच के आदेश भी सीएम योगी ने जारी कर दिए हैं। तो हमारे संवाददाता सुनील शर्मा गाजियाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं, वो सीधे उसी हॉस्पिटल में मौजूद है जहां पर घायलों को इलाज के लिए एडमिट करवाया गया है। सुनील, सबसे पहले आपसे जानकारी चाहेंगे कि इस वक्त जो घायल वहां पर बताए जा रहे हैं, जिनको एडमिट कराया गया इलाज के लिए, उनकी स्थिति इस वक्त क्या है? देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय मैं मुरादनगर के सीएससी हॉस्पिटल पे हूँ, यहाँ पर अधिकतर जो मृत हैं उन्हें ही यहाँ पर अभी भेजा गया है। लगभग 8 से 10 लोगों को यहाँ पर अभी तक जो डेड बॉडी है वो भेजी गई है। इसके अलावा जो बाकी की जो डेड बॉडी है वो डेंटल कॉलेज यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर है, वहां पर भेजे गए हैं। मेरे साथ कुछ और भी यहाँ पर परिजन भी हैं, जिनका कहना है कि प्रशासन कहीं ना कहीं जितने भी मृत हैं उनके उनमें कुछ घोल मोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि परिजनों को कहना है कि लगभग 40 से 50 लोगों का की जो है इसमें डेथ हो चुकी है, लेकिन प्रशासन जो है वो इन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा है। और जहां पर ये घटना स्थल है लगभग 2 महीने से उसमें निर्माण कार्य चल रहा था, और अभी 2 दिन पहले ही उसका उद्घाटन हुआ है और जहां पर ये हादसा घट गया है। ठीक है, लेकिन यहां पर सुनील, अगर पूरा माहौल अगर देखा जाए वहां पर, और ये जो पूरा मामला जो संज्ञान में अब आया है, प्राथमिकता की बात की है आईजी ने और तमाम अधिकारियों ने, जब हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की, तो सवाल तो ये बनता है कि जिस दौरान ये हादसा हुआ था या फिर जब ये कंस्ट्रक्शन साइट के तौर पर ये यहाँ पर काम चल रहा था, तो उस दौरान मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी क्यों नहीं लगाए गए थे? आज जब ये हादसा हो गया तब प्रशासन की नींद खुली है? हर बार ऐसा क्यों देखने को मिलता है, जब ऐसा कोई बड़ा हादसा हो जाता है दुखद खबर सामने आ जाती है, कई लोगों की जाने चली जाती है, कई लोग अपने परिवार को, सदस्य को खो देते हैं हमेशा के लिए, उसके बाद से प्रशासन की नींद खुलती है? देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि योगी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की लाख कोशिश की जा रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। और अधिकतर देखने में ये भी आया है कि काम खत्म होने के लगभग 3 महीने बाद सिर्फ दिखावट के लिए एक छोटे छोटे अखबारों में से विज्ञापन निकाले जाते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि अभी ये काम होना है, लेकिन वो काम लगभग 3 महीने पहले ही निपट चुका होता है। तो उसी के जो भेंट चढ़े हैं ये परिजन जो यहाँ बिलख रहे हैं अपने लोगों के लिए। जी मैडम जी, सुनील, क्या आप जो हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है, तो क्या इस वक्त आपके आसपास में कोई ऐसे जो घायलों के परिजन हो, चाहे मृतकों के परिजन, कोई ऐसे लोग आपके क्या आसपास में नजर आ रहे हैं? आप क्या उनसे एक बार बातचीत करके एक बार उनसे पूछ सकते हैं वो क्या मांग रख रहे हैं? जी मैडम, मेरे पास लगभग 10 से 12 ऐसे लोग हैं जो परिजन, और वो मेरे पास खड़े हुए हैं, और मैं उनसे आपकी बात कराना चाहूंगा।
देखिए उनका कहना है कि वो इतने दुखी हैं कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और इस समय वो बड़े ही दर्द भरे एक तरह के माहौल से गुजर रहे हैं। तो ठीक है सुनील, क्या आपने उनसे अलग से बातचीत करने की कोशिश की थी या फिर आपसे उन्होंने जब बात की तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि वो सरकार से ऐसी उम्मीदें रखते हैं, प्रशासन से ऐसी उम्मीदें रखते हैं, कोई ऐसा बात? मैडम मेरी यहाँ लगभग जो परिजन है उनसे जो मेरी बात हुई है वो मीडिया से भी अच्छे खासे नाराज दिखाई दिए। उनका कहना ये है कि प्रशासन के साथ साथ कहीं ना कहीं मीडिया भी उनके दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने बताया कि अधिकतर जो बड़े बड़े मीडिया प्रतिष्ठान हैं वो लगभग 8 से 10 ही मौतें वो दिखा रहे हैं जबकि लगभग 40 से 50 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। सुनील तो उन्हें ये साफ कर दीजिए कि परिजनों को ये बात साफ कर दीजिए, हम दूसरे मीडिया हाउसेस की जिम्मेदारी नहीं लेते लेकिन न्यूज वन इंडिया इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखा रहा है, साथ ही साथ न्यूज वन इंडिया इस बात का भी खास ध्यान रख रहा है कि जो परिजनों की स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसको किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, प्रशासन तक उनकी आवाज को पहुंचाया जाए और जिन लोगों की लापरवाही इस पूरे खबर में सामने आई है उन पर एक्शन लिया जाए। तो लेकिन सुनील अब हम आपसे एक बार ये भी पूछ ले कि जहां पर इस वक्त इलाज चल रहा है जिस अस्पताल में वहां पर डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है, क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पर कोई भी अधिकारी से लेके कोई भी डॉक्टर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी ठीक मेरे पीछे एम्बुलेंस खड़ी हुई है जिसके अंदर डेड बॉडी को डालकर यहाँ से ले जाया जा रहा है दूसरी जगह पर, लेकिन यदि इस बारे में किसी भी अधिकारी से भी बात करने की कोशिश करते हैं तो इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है जी। यानी आप ये कह रहे हैं कि तमाम वो अधिकारी, तमाम हॉस्पिटल के अगर डॉक्टर्स की बात करें चाहे कोई भी हो, वो इस खबर से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर बोलने को कोई भी तैयार नहीं। मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी घटना स्थल की लगभग 5 मिनट पहले की बात है कि वहां से पुलिस फोर्स ने जितने भी वहां पर जो जमावड़ा था, जो वहां पर भीड़ थी, उसे वहां से खदेड़ दिया है और वहां पर एक तरह का कब्जा कर लिया है ताकि वहां पर कोई भी स्थानीय लोग वहां पे खड़े ना हो और वो ये देख ना पाए कि किस तरह की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है। ठीक है सुनील, और क्या कोई और नया ऐसा अपडेट आया है आपके सामने, क्या कोई और ऐसे घायलों को अभी हाल फिलहाल में एडमिट करवाया गया है, उनकी स्थिति क्या कुछ है इस बारे में कोई जानकारी? मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा कि मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, अभी भी वहां पे कुछ लोगों के दबे होने की संभावना है, इसीलिए वहां से जो वहां पर लोग थे उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया है। लेकिन वही अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दे कि बारिश की वजह से शमशान घाट का लेंटर गिरा जिस वजह से करीब करीब 40 लोग की संख्या बताई जा रही थी जिस दौरान वो अंतिम संस्कार के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, जिसके बाद 30 लोगों की अब तक ऐसा कहा जा रहा है कि मलबे से निकाल लिया गया है। वहीं ऐसे तमाम कई लोग हैं जिनके मरने की पुष्टि की जा चुकी है। तो मृतकों को परिजन मृतक के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को देखते हुए संज्ञान में लेते हुए उन्होंने ये तक कह दिया है कि तुरंत इसकी जांच की जाए और रिपोर्ट तैयार करके उन्हें सौंपी जाए। तो वहीं हमारे संवाददाता ने आईजी और डीएम से भी बातचीत की, उनका भी यही कहना है कि इस पूरे मामले में जाँच के आदेश दे दिए गए हैं, आज ही जाँच कर शासन को रिपोर्ट भेजा जाएगा। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात आईजी प्रवीण कुमार ने कहा है। तो इस पूरे मामले में गाजियाबाद की खबर हम आपको बता रहे हैं, मुरादाबाद नगर के ये शमशान घाट बताई जा रही है, अंतिम संस्कार में शामिल होने आए लोगों पर लेंटर गिर गया। तो हमारे संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यादराम आपसे जानकारी चाहेंगे कि जब अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई थी तो उनका यही कहना था कि आज के आज इस पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार करके शासन को सौंप दी जाएगी, लेकिन अब तक जो वहां पर लोग मौजूद बताए जा रहे थे अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें भी वहां से खदेड़ने का काम कर दिया गया है। तो आखिर क्यों लोगों को वहां से हटाने का काम किया जा रहा है, क्या वाकई कुछ मामले को छुपाया जा रहा है? देखिए मुरादनगर में जिस समय ये घटना थी उस समय शुरू में इस घटना को हल्के में लिया जा रहा था और बारिश की वजह से जो पहली सूचना आई थी वो ये थी कि किसी मकान का जो दीवार है वो गिर गई, तो शुरू से प्रशासन इस मामले को हल्के में ले रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया, तुरंत जो अधिकारी जो एसएसपी और डीएम है वो मौके पर पहुंचे और वहां पर इस मामले को जो है देखने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों को लगातार फोन मिलाया जा रहा है लेकिन
कोई अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं है और कोई इस बात में जानकारी देने को तैयार नहीं है कि आखिर कितनी मौत हुई और आखिर इस मामले में दोषी कौन है, क्योंकि 18 लोग मर जाते हैं, 11 से बढ़कर संख्या 18 हो जाती है और अभी तक ये नहीं मालूम कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही ये बना था, लैंटर डला था और पूरे जो निर्माण हुआ था ये जल्दी में हुआ था, कोई बहुत पुराना निर्माण नहीं है। लेकिन यादराम, लगातार सीएम योगी की तरफ से यही कोशिश की जाती है कि भ्रष्टाचार ना हो, लापरवाही इस तरीके से ना बरती जाए, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो, लेकिन वो तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरीके की लापरवाहियां करते रहते हैं, तो आखिर इन पर शिकंजा कब कसेगा, कब इनके खिलाफ सुनवाई होगी और कब इनके खिलाफ कड़ा एक एक्शन लिया जाएगा? देखिए, गाजियाबाद में किसी भी टेंडर को लेने की जो प्रक्रिया है, अगर उसमें हम जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इन शॉर्ट इतना ही कहा जा सकता है कि जो निर्माण हुआ है वो घटिया सामग्री का हुआ है और घटिया सामग्री ठेकेदार की लगाना इसलिए मजबूरी थी क्योंकि उन्हें अधिकारियों को कमीशन पहुंचाना था, उन्हें अधिकारियों को उनका हिस्सा पहुंचाना था, इस वजह से उसे भी अपना फायदा लेना था, जिस कारण जो निर्माण सामग्री जो है वो घटिया से घटिया लगाई जाती है जिससे ज्यादा मुनाफा हो सके, और मुनाफा कमाने के चक्कर में 18 जाने चली गई और हो सकता है कि यह संख्या अभी और भी बढ़ जाए। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है, सभी अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, अफसोस जता रहे हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक किसी के खिलाफ कोई कुछ नहीं हुई। आज शासन को रिपोर्ट सौंपने की बात आईजी प्रवीण ने कहा है कि उनके तरफ से साफ कहा गया कि आज ही पूरे मामले की जांच पड़ताल करके एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद से शासन को सौंपी जाएगी। लेकिन अब तक जब वो प्राथमिकता की भी बात कर रहे थे तो प्राथमिकता उनके तरफ से उस वक्त क्यों नहीं देखी गई जिस दौरान इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिस दौरान मॉनिटरिंग की जरूरत थी, जब इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई थी कि अभी ये पूरी तरीके से तैयार है या नहीं, तो इसे आम लोगों के लिए खोला क्यों गया था? देखिए, किसी भी निर्माण प्रक्रिया में सबसे जरूरी होती है वहां के जो इंजीनियर्स होते हैं, वहां के जो अधिकारी होते हैं, वो मौके पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट, क्या यह जो निर्माण है, जो भवन है या सड़क है, जो भी है, वो क्या जनता के इस्तेमाल के लिए तैयार है, और अगर तैयार है तो तभी उसको पूरी फॉर्मेलिटी के साथ हैंड ओवर किया जाता है। ठीक है यादव, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस वक्त गौरव यादव हमारे संवाददाता गाजियाबाद से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, आपसे जानकारी चाहेंगे, इस वक्त वहां पर क्या कुछ स्थितियां हैं? देखिए, फिलहाल रेस्क्यू का जो काम था वो बंद हो चुका है और आप देखेंगे जो टीम है वो फिलहाल बाहर जा रही है। ये वो कॉरिडोर है, ये वो पैच है जिस पैच में स्थानीय लोग यहाँ पर आए थे और शांति भवन कर रहे थे, शांति पाठ कर रहे थे, और इसी दौरान यहाँ पर एक लेंटर हुआ करता था जिस लेंटर के नीचे लगभग 40 से ज्यादा लोग दब गए। ये वो जगह है जिस जगह पर लोग लेंटर में दब गए थे, लगभग 18 लोग यहाँ पर लेंटर के नीचे दब कर मौत का शिकार हो गया, कई लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई से लड़ रहे हैं, दो चार हो रहे हैं। ये पूरा मलबा आप देखेंगे, वो मलबा है जिस मलबे को साइड में किया गया है, इसके नीचे से लोगों को निकाला गया था, रेस्क्यू किया गया था। यहाँ पर जो मेटेरियल लगाया, ये मेटेरियल पे एक निगाह डाल देते हैं, किस तरीके का मेटेरियल है ये, जिस मटेरियल में ना सीमेंट है, खंड खंड बिखरा पड़ा है। जो यहाँ पे जो रेस्क्यू टीम आई है उनका साफ तौर पे कहना है कि एक ही चोट में जो पूरा लेंटर है वो बिखरता नजर आया, जो जो दीवारें हैं वो बिखरती नजर आई। वहीं दूसरी तरफ यदि बात करें तो यहाँ पर जो लोग थे मौजूद, उन लोगों का साफ तौर पे कहना था कि यहाँ पर देखते ही देखते पूरा लेंटर गिर गया, और जो कंस्ट्रक्शन साइट है ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ ये अजय त्यागी नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से बनाई गई थी, अजय त्यागी कंस्ट्रक्शन, मैसर्स अजय त्यागी कंस्ट्रक्शन फर्म को नगर पालिका की तरफ से ये टेंडर दिया गया था, ऑनलाइन टेंडर हुआ था, लेकिन पूरे कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई भी जेई नगर पालिका मुरादनगर में तैनात ही नहीं था जो कि इसकी मॉनिटरिंग करता। और सबसे बड़ी चीज ये है जो मोदी नगर जो कॉन्ट्रैक्टर का जो नाम आप बता रहे हैं, अजय त्यागी नाम आपने बताया, क्या इसका कोई ऐसा इतिहास भी रहा है जब उन्होंने एक बार फिर दोबारा से ऐसा कोई टेंडर लिया हो और ऐसी कोई हादसा या ऐसी कोई घटना घटी हो? देखिए, पहले कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ हादसे हुए या नहीं हुए तो केवल जांच का विषय है, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन था जिसमें 18 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, अजय त्यागी नगर निगम नगर पालिका में कई पहले टेंडर भी डाल चुके हैं, टेंडर ले भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बिना मॉनिटरिंग के इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किया जाता है। साइट मार्च में टेंडर होता है, उसके बाद से जेई के ना होना, एक ही जेई होता है नगर पालिका में और उस जेई
के तैनाती के ना होने के बावजूद, तैनात ना होने के बावजूद पूरा कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसकी जांच कभी होती ही नहीं, क्योंकि जांच अधिकारी तो यहाँ पे है ही नहीं, कोई भी संबंधित अधिकारी यहाँ पर नहीं आता है। और जो मोदी नगर से जो ट्रेन को यहाँ पे अटैच किया जाता है उसको शिकायत के बावजूद वो यहाँ नहीं। ठीक है गौरव, बने रहिएगा आप हमारे साथ।